हाँ जी बेटा जी, हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली कि जी हमने हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेटा जी होमोजीनियस है या नहीं, ठीक है जी। अब बेटा जी अगली ये बेटा जी एग्जांपल है 1.5। ये बेटा जी हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ से फार्मूला ड्राइव करना, टाइम पीरियड का बेटा जी हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव करना, ठीक है जी। इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड के लिए करना है तो एग्जाम्पल है जी वन पॉइंट फाइव ड्राइविंग फार्मूला, टाइम पीरियड है बेटा जी, सबसे पहले आ जाएगा टाइम पीरियड आ, ठीक है जी। हमें कुछ नहीं पता, हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड है तो बेटा जी को टाइम पीरियड आ जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। अब उसमें बेटा जी क्या होता है आपके क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम में जारी बात है उसकी कोई ना कोई मास होगी, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी क्या हो जाएगी, उसकी कोई ना कोई लेंथ हो जाएगी, ठीक है जी। अब वो पेंडुलम जो है कोई ना कोई बेटा जी एंगल भी बनाएगा, ठीक है जी। और बेटा जी सारी बात है वेट उस पर एक्ट कर रहा है तो उसमें बेटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा, ठीक है जी। हमने जितने भी इस पेंडुलम के अंदर टर्में टर्म्स जो है वो आ रही हैं वो बेटा जी हमने क्या कर ली, इसके अंदर लिख ली। अब अगला काम क्या कर रहे हैं, हमने कह दिया कि ये इसकी कोई पावर है ए, हमें नहीं पता कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, इसकी पावर बी है, इसकी पावर सी है, इसकी पावर बेटा जी क्या है डी है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्या किया हमने उसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख दी, ठीक है जी। ये बेटा जी क्या जी सॉरी ठीक है जी, थीटा को हम छोड़ देते हैं, जी की भी हम बात कर लेते हैं। जी क्या बेटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी क्या है बेटा जी डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो ये बेटा जी क्या आएगा डी टी स्क्वायर, डी का बेटा जी हमके लिए तो ये टी माइनस टू हो जाएगा, डी जो है बेटा जी वो डिस्प्लेसमेंट है या लेंथ है, तो ये बेटा जी एल टी माइनस टू आ जाएगी, तो ये बेटा जी आ जाएगी एल टी माइनस टू, ये साथ हमने इसकी पावर डी लिख, ठीक हो गया। हाँ जी, अब बेटा जी हम बात करते हैं थीटा की, थीटा क्या है बेटा जी एंगल है, हमें पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा जो है बेटा जी एस ओवर आर हो गया, एस क्या है बेटा जी आर्क लेंथ है तो ये भी लेंथ है, रेडियस क्या है बेटा जी वो भी लेंथ है, तो ये बेटा जी क्या आ जाएगा एल, ठीक है जी, ये वाली लेंथ बेटा ऊपर चली जाएगी, तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा एल एल माइनस वन, और इसकी पावर बेटा जी आ जाएगी सी आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी टी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम खत्म करते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, आप पहले कर लो बाद में कर लो बेटा जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम ए एल बी एल एल माइनस वन सी एल टी माइनस टू पावर डीआर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, उनके कोफिशियंट जो है वो बेटा ये आपस में कंपेयर निकाल देंगे, तो कंपेयरिंग बेटा जी सबसे पहले बेटा जी हम क्या करते हैं टी वाली कर लेते हैं, टी को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी पावर बेटा जी 1
वन है तो वन इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा जी, माइनस टू है, ये बाहर चली गई तो माइनस टू डी आएगा, या दूसरे लफ्जों में बेटा जो आपका डी आएगा वो माइनस वन ओवर टू आ, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा जी आपकी मैथ्स के लिए कर लेते हैं जी, और लेफ्ट साइड पर मास नहीं है तो ये बेटा जी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इधर भी मास बेटा जी एक है, उसकी पावर ए है, ए जो होगा बेटा जी वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद बेटा जी हम बात करते हैं लेंथ की, लेफ्ट साइड पर बेटा लेंथ कोई ना, ठीक है जी। इधर बेटा जी पावर बी, इधर बेटा जी एक बेटा जी इसके लिए सी प्लस, इसके लिए बेटा जी माइनस सी, और ये बेटा जी सॉरी ये एल की पावर बेटा जी क्या आ जाएगी, प्लस डी आ जाएगी, ठीक है। तो बी जो है यहां से बेटा जी माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू बेटा जी आपने पहले निकाली हुई है, माइनस माइनस वन ओवर टू, ये बेटा जी आ जाएगी वन ओवर टू आ, डी की वैल्यू बी की वैल्यू बेटा जी आपको पता चल गई, ए की वैल्यू में जीरो है तो ये बेटा जी एल प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यूज है बेटा जी वो हम क्या करेंगे, यहां पे पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। बल्कि बेटा जी इस स्टेप को थोड़ा सा ऊपर कर ले, ये इक्वल कर दे, सॉरी ठीक है, ये बेटा जी कॉन्स्टेंट, ये बेटा जी यहां पे इसको इक्वल लिखते, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का खत्म करके ये बेटा जी ए एल बी थीटा सी टी की पावर बेटा जी क्या आ जाएगी, टी आ, ये बेटा जी पहले काट देंगे तो आसान रहेगा। तो टाइम पीरियड बेटा जी आपके पास आ गया कांस्टेंट मास, सॉरी एम की पावर ए, लेंथ की पावर बी, थीटा बेटा जी सी आ गया, जी की बेटा जी वो डी आ, हाँ जी कांस्टेंट ए जो है बेटा जी जीरो के बराबर है, एल जो है बी की वैल्यू बेटा जी आपने सॉरी बी की वैल्यू ये वाली निकाली है बेटा जी वन ओवर टू आ गया, ठीक है जी। सी जो है बेटा जी वो जीरो है, इसकी जगह आपने या थीटा की पावर बेटा जी जीरो आ गई, जी जो है बेटा जी डी आपने बेटा जी ये वाला निकाल है, ठीक है जी। एम की पावर जीरो बेटा जी वन, कॉन्स्टेंट आ गया बेटा जी वन लिखते नहीं है, एम की पावर वन ओवर टू, थीटा की पावर जीरो बेटा जी एट वन आ गया, जी की वैल्यू बार आ गया बेटा जी वन ओवर टू आ, यहां बेटा जी कॉन्स्टेंट एल की पावर वन ओवर टू, जी की पावर वन ओवर टू, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड बेटा जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है जी, वन ओवर टू बेटा जी दोनों के लिए, एल ओवर जी वो किसके बराबर है बेटा जी वो स्क्वायर रूट के बराबर, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड बेटा जी बेसिकली पेंडुलम के लिए क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई एल ओवर जी, ठीक है जी।
तो ये बेटा जो कांस्टेंट आता है ये 2 पाई है। डायमेंशन एनालिसिस से हम ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये वाली वैल्यू जो है हम बेटा वो जो डाटा है या जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ से बेटा हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आती है। डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता। ठीक है जी, ये बेटा जी आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर बेटा जी 1.6 है, ये भी लाजमी कीजिएगा। इसमें बेटा जी आपने उसकी डायमेंशन निकालनी है और बेटा जी साथ आपने उसकी यूनिट्स भी निकालनी है। ये बेटा बात बताना भूल गया, जब आपने बेटा डायमेंशन लिखनी है तो सबसे पहले आपकी मैस आएगी, उसके बाद बेटा जी लेंथ आएगी, उसके बाद बेटा जी आपका टाइम आएगा। ये बेटा जी उन्होंने एक बना दिया हुआ है, पहले मैस आएगी फिर लेंथ लिखते हैं फिर बेटा जी टाइम लिखते हैं। जब भी आपने करना है तो ये बेटा जी ऑर्डर का आपने खास ख्याल रखा।